नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस पर हम बात करेंगे उन पोर्टफोलियो के बारे में जो कि थोड़ा रिस्की है, क्योंकि इसमें मिड कैप स्टॉक्स हैं और कुछ लार्ज कैप भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स मिड कैप हैं। लेकिन ये स्टॉक चल गया तो आपके लाखों के पोर्टफोलियो को करोड़ों में कन्वर्ट कर देगा बहुत ही जल्द। इतना पोटेंशियल है इस स्टॉक में। सारे पोटेंशियल वाले जो स्टॉक है जो कि आपके जल्द लाखों को करोड़ों में बदल सकता है, उन सारे स्टॉक को शामिल किया है। देखिए, जब हम लार्ज कैप के साथ सेक्टर लीडर के साथ रहते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो जो है बैलेंस रहता है, सुरक्षित रहता है। जब हम मिड कैप के साथ रहते हैं तो अगर मार्केट जिस तरह से क्रैश होता है, अगर गिरावट होता है, कभी बड़ा गिरावट होता है मार्केट में, तो हमारे ये सारे स्टॉक भी काफी ज्यादा गिरेंगे। लेकिन जब मार्केट में फिर रैली आएगा तो काफी तेजी से कमबैक भी करेगा। तो ये स्टॉक जो होंगे थोड़ा आपको नीचे के मार्केट पे अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादातर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मार्केट पूरी तरह से ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो आप बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। तो चलिए, ये सारे स्टॉक पहले आपको बता देते हैं, फिर पोर्टफोलियो कैसे बनाना है ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये पहला है डॉक्टर लाल पैथलैब, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये, और ये हर टाइम फ्रेम पर देखिएगा अपने इन्वेस्टर को पॉजिटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एक लैब है, डायग्नोस्टिक लैब है, और काफ़ी शानदार कंपनी है और बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। कोई डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देंगे पॉजिटिव रिटर्न। 1 मंथ 10%, 1 ईयर 98%, 5 ईयर्स 222%। ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है कंपनी। यहाँ पर देखने शुरुआत में थोड़ी सी गिरावट आई थी, उसके बाद देखने चार्ट काफ़ी सॉलिड है। तो ये स्टॉक जो है काफ़ी बेहतरीन है, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको क्रिएट करके देगा। उसके बाद है HLE ग्लॉसकॉट, ये भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, और HLE ग्लॉसकॉट अभी करेंट प्राइस है 3700, और ये स्टॉक भी काफ़ी सॉलिड है, हर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में देखिए 18% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर में देख लीजिए 293% का पॉजिटिव रिटर्न, 5 ईयर्स में 3100% का रिटर्न। तो 5 ईयर्स में तो काफ़ी शानदार है, मैक्सिमम बात करें तो काफ़ी शानदार 7000% का रिटर्न। तो ये स्टॉक देखते हैं काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। उसके बाद है GMM फॉडलर, ये भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, अभी करेंट प्राइस है 4700, जब ये 3500 का था उसी समय से बता रहा हूँ। HLE ग्लॉसकॉट जब 1400 का था उस समय से बता रहा हूँ। डॉक्टर लाल पैथलैब जब ये स्टॉक लगभग 1500 का था तब से मैं बता रहा हूँ कि ये सारे स्टॉक जो है मिड कैप के स्टॉक से थोड़ा गिरावट भी होता है, लेकिन वहाँ से काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, जिन्होंने भी हमारे कहने पे इन्वेस्ट किया। अगला है व्हर्लपूल इंडिया लिमिटेड, ये भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, देखिए करंट प्राइस है 2178। ये स्टॉक अभी काफ़ी आपको मतलब अंडर वैल्यूड दिख रहा है, लेकिन जब इस पर तेजी आएगा तो ये स्टॉक काफ़ी तेज रन करेगा। देखिए हर टाइम फ्रेम पे भी ये स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न दिया, 1 ईयर में अभी भी 6% का रिटर्न दिया है, मतलब अभी भी स्टॉक आपको 1 ईयर का जो पहले का प्राइस था उसी प्राइस के आसपास मिल रहा है। मैक्सिमम देखिएगा 1400% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी शानदार है, और आगे ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन करने वाला है। अगला है लार्सन ट्रूबो इन्फोटेक लिमिटेड, देखिए काफ़ी सॉलिड स्टॉक है और काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देगा आपको आने वाले समय में। IT कंपनियां हैं और करेंट प्राइस है 4173, और ये हर टाइम फ्रेम पर ये भी स्टॉक देखिएगा काफ़ी सॉलिड है, और यहाँ पर देखिए 1 ईयर में 123, अगर मैक्सिमम बात करें 498%, क्योंकि ये ज़्यादा लिस्टिंग पुराना नहीं, 2016 में ही कंपनी लिस्ट हुआ है। तो ये सारी कंपनी जो मिड कैप है, कुछ लार्ज कैप है, लेकिन काफ़ी बेहतरीन है। ये स्टॉक सेक्टर के लीडर तो नहीं है, लेकिन आपको आने वाले समय में काफ़ी शानदार रिटर्न क्रिएट करके देगा ये स्टॉक। अगला है JV केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये दोनों केमिकल भी है, फार्मास्यूटिकल दोनों में है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, अभी करेंट प्राइस है 1540 रुपये, और ये भी स्टॉक काफ़ी सॉलिड है। देखिए 1 ईयर में रिटर्न 122%, 5 ईयर्स में देखिएगा तो 5 ईयर्स में देखिए 537%, मैक्सिमम ईयर में देखिए काफ़ी सॉलिड रिटर्न 5400% का रिटर्न। तो काफ़ी सॉलिड रिटर्न है और काफ़ी सॉलिड रिटर्न आपको देगा भी आने वाले समय में। अगला है SRF, देखिए SRF कोई केमिकल कंपनी है, इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो जो कि काफ़ी सॉलिड बिजनेस है, काफ़ी सॉलिड रिटर्न भी आपको देगा। देखिए करेंट प्राइस है 7065, जो काफ़ी बेहतरीन है, 1 ईयर में 94, 5 ईयर्स में देखिएगा तो भी काफ़ी सॉलिड 443%, और मैक्सिमम 14000% का रिटर्न देख सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक ही आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी सॉलिड रिटर्न दे। अगला है दीपक नाइट्रेट, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, 1 ईयर में देखिए 269% का रिटर्न, 5 ईयर्स में देखिएगा तो भी काफ़ी सॉलिड 2000% का रिटर्न 5 ईयर्स में,
मतलब 5 ईयर्स में आपके मनी को 20 टाइम्स। मैक्सिमम देखिएगा तो 10,000% का रिटर्न, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अगला है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। एस्ट्रल करेंट प्राइस है देख लीजिए 1934 रुपये, और ये भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। 1 ईयर में देखिएगा 193%, 5 ईयर्स में देखिएगा तो 624%, मैक्सिमम में बात कीजिएगा और भी काफ़ी सॉलिड 30,000% का रिटर्न। तो मैक्सिमम में और भी बेहतरीन रिटर्न दिया है, आने वाले समय में भी ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देंगे आपको। अगला है अतुल लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। ये सारे स्टॉक वैसे स्टॉक है जो आगे भी आपको बेहतरीन रिटर्न देंगे, पीछे भी दिया है लेकिन आगे भी इतना स्टॉक में पोटेंशियल है, आगे भी अच्छा खासा रिटर्न देंगे। लेकिन जो केमिकल सेक्टर है अगर अंडर परफॉर्म किया तो फिर ये अतुल लिमिटेड जो है आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता है, क्योंकि केमिकल सेक्टर काफ़ी रनिंग कर चुका है, काफ़ी मतलब बेहतरीन रन किया है और काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया अपने इन्वेस्टर को। 1 ईयर में रिटर्न देखिए 96% का, 5 ईयर्स में 377% का, अब वही मैक्सिमम में 33,000% का रिटर्न, जो कि काफी सॉलिड है। तो ये स्टॉक भी काफी सॉलिड रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो ये स्टॉक आगे भी परफॉर्म करेगा, अभी काफ़ी पोटेंशियल है इस स्टॉक में, लेकिन अगर केमिकल सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकता है ये स्टॉक। उसके बाद एवेन्यू सुपरमार्ट, ये स्टॉक तो कुछ खास अभी मूव किया नहीं है, इस स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है आगे जाने का, और देखिए यहाँ पर 5 ईयर्स में 394% का रिटर्न, और कुछ खास पुराना लिस्टिंग है नहीं इस स्टॉक का, 2017 में ही कंपनी लिस्ट हुई 600 रुपीज पर, 600 से देख सकते हैं 3000 का जर्नी तय कर चुका है। ये स्टॉक भी काफ़ी सॉलिड है और ये स्टॉक निश्चित रूप से एक मल्टी बैग रिटर्न देगा। ऐसे भी देखते हैं चार्ट देखेंगे तो काफ़ी सॉलिड है, बीच बीच में थोड़ी बहुत गिरावट आई लेकिन स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से कम बैक किया। तो इस स्टॉक में आप जो है लगातार SIP करके इन्वेस्ट करते रह सकते हैं, और जो कि आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको काफ़ी सॉलिड काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देने वाले हैं। तो ये स्टॉक है जो कि काफ़ी सॉलिड रिटर्न आपको देंगे, और ये निश्चित रूप से इस पोर्टफोलियो में इतनी ताकत है आपके लाखों रुपये के इन्वेस्टमेंट को करोड़ों कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक अंडर परफॉर्म करे, जो स्टॉक परफॉर्म नहीं करे, या किसी में फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसको अपने पोर्टफोलियो से ज़रूर निकाल लीजिएगा, और जो स्टॉक परफॉर्म करे उसमें और ज़्यादा क्वांटिटी आप आगे ऐड करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।